नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इतवार का दिन है, तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में बताता हूँ भाई, इतवार वाले दिन मैं सारा दिन वही में गुजारता हूँ। तो वो पीछे आपको हिस्सेदार नज़र आ रहा है, आज हम आए हुए हैं भिंडी वाले पे। तो वहाँ हमने खाद डलवानी थी अपनी फसलों में, तो खाद डलवाने के लिए आया हूँ। रोज़ा भी था, यकीन करें जितने भी रोज़े रखे हैं ना, आज का रोज़ा इतना ज़्यादा लगा है मैं आपको नहीं बता सकता। अल्लाह ताला सब्र देने वाला है, अल्लाह ताला मेरा रोज़ा कबूल करे। आप भाई जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला आपके भी रोज़े कबूल करे। लेकिन मैंने कहा साथ एक वीडियो होनी चाहिए। तो जितने रोज़े भी रखे हैं उनमें मैं नहाया नहीं हूँ भाई, यानी मिसाल के तौर पर पीटर पे दोपहर के वक्त नहीं नहाया। इतनी गर्मी, जितनी भी गर्मी थी बर्दाश्त की है, आज बस हो गई है। बस हो के मैं तंग आ गई, आप देख सकते हैं जो है कमीज भी उतारा हुआ है। तो इधर नहा रहा था, वो बाल्टी के सामने आप देख रहे होंगे, बाल्टी के साथ नहा रहा था। मैंने सोचा साथ एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो ये सोलर है, सोलर के नीचे खड़ा हूँ। सोलर का पानी बहुत ठंडा था, मैंने कहा चलो भाई नहा लेते हैं, थोड़ी सी जो थकावट है एक तो वो भी दूर हो जाएगी, दूसरी जो गर्मी है वो भी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा आज रोज़ा लग रहा है। आप में से जिस भाई को आज ज़्यादा रोज़ा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठंडे पानी में नहाने का मज़ा ही कुछ अलग है। अभी थोड़ा सा डाल लेते हैं क्योंकि मोबाइल भी है, मोबाइल पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ, क्योंकि मोबाइल पर पानी चला गया तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा। फिर इसके साथ वीडियो बनाता हूँ वो भी नहीं रहेगा। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है। और ये सहूलतें शहरों में नहीं होती, देहातों में ही होती है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि हम देहाती हैं। मेरे चैनल को जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।